श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह एक यूनिवर्सिटी है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में, अच्छी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें नाम आता है इस यूनिवर्सिटी का। श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि यूपी की कुछ अच्छी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें नाम आता है इस यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी के पास बहुत बड़े बड़े कोर्सेज जैसे कि MBBS और MD जैसे कोर्सेज भी इस यूनिवर्सिटी में चलते हैं। स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है और अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी UGC पर कहां रैंक करती है, मतलब कि UGC पर श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटी चलती है UGC के द्वारा ही चलाई जाती है, क्योंकि UGC रेगुलेट करता है सभी यूनिवर्सिटीज को और UGC को रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब दोस्तों बात आती है श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपको बाकी इंफॉर्मेशन तो मिल जाती हैं बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाकी दूसरी डिटेल से आपको नहीं मिल पाती है। सभी कुछ चीजें जानने के लिए श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी पर पहले भी हमने कई सारी वीडियोस बनाई है और टाइम टाइम पर वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जैसे कब कब यूनिवर्सिटी के PhD के एंट्रेंस होंगे या फिर कौन कौन से नए कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के पास आए हैं और कोई भी किसी भी तरह के इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के तो हम उनको भी रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, चार ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह एक यूनिवर्सिटी है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में, दोस्तों उत्तर प्रदेश में टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक नाम आता है श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी का। अब इस यूनिवर्सिटी के पास हालांकि अप्रूवल्स तो कई हैं बट यूजीसी का अप्रूवल देखना आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज जो चलती हैं उन सभी को रेगुलेट करता है यूजीसी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही एक रेगुलेटरी बॉडी होती है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो यूजीसी पर जाने के लिए आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। आप जैसे ही यहां पर जाएंगे तो यहां इंटरफेस खुलकर आएगा एक यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की साइट खुलने के बाद में जो ऊपर टैब बने हैं यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है नीचे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में टोटल जो स्टेट चलते हैं जितने भी स्टेट्स हैं अपने देश में उसमें उत्तर प्रदेश पे आप क्लिक कीजिए। उत्तर प्रदेश स्टेट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर यूजीसी से मान्यता प्राप्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको यहां पे दिखाएगा, उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी है श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कहां पर है, 28वें नंबर पर। 28वें नंबर पर आप देखोगे श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम यहां मेंशन किया हुआ है। अब यहां पर यूनिवर्सिटी जो बनी है वो 2010 में बनी है दोस्तों, 12 अक्टूबर 2010, और यहां पर यूजीसी ने ऐसा कोई कमेंट भी नहीं डाला है कि आपको यहां पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने मान्यता दी है और यूनिवर्सिटी पूरी तरह से अप्रूव्ड है। और बेहतर जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप यहां मोर डिटेल पर आप जाकर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मोर डिटेल पर क्लिक करते हैं तो मोर डिटेल पर क्लिक करने के बाद में यहां इंफॉर्मेशन आ जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन साहब है वो डॉक्टर सुधीर गिरी, आप सीधा उनसे भी मिले अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, और साथ में ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब और जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनकी डिटेल्स भी यहां पर मेंशन है। अभी क्योंकि वीडियो बन रही है ये फरवरी 2023 में, और मैं आपको बता दूं कि अभी 2023 फरवरी में जो वाइस चांसलर साहब का नाम लिखा है डॉक्टर PK भारती, नाम बदल चुका है, अभी नए वी साहब यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, बट हाँ उनका फोन नंबर जरूर यहां मेंशन है, उनकी मेल आईडी भी यहां पर मेंशन है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही रजिस्ट्रार साहब कौन है इस यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर पीयूष कुमार पांडे,
और साथ में ही उनका फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है और यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो है www.svu.edu.in। यही एक ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। कोई किसी भी तरह से कहीं और आपका कोई स्टेटस चेक करवाए या कहीं और से स्टेटस चेक करके आप एडमिशन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यूजीसी ने जो वेबसाइट मेंशन की है यही एक ओरिजिनल वेबसाइट है। कोई भी किसी तरह के सवाल है आपके दिल में, एडमिशन आप लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कोई भी सवाल या कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम उसका आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को हर तरह के अपडेट से अपडेट रख सकें जो कुछ आते हैं एजुकेशन की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।